हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीमर्स किचन। आज हम बनाने वाले बनाना केक रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बनाना केक को बनाने के लिए हमने सबसे पहले दो बनाना लिया है, इसे स्लाइसेस में कट कर दिया, फिर एक स्पून के हेल्प से हमने इसे इस तरह कुछ मैश कर लिया। अभी हमने मिक्सर ग्राइंडर में एक कप चीनी ले लिया, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर दो अंडे को ले लिया जिसे हमने फ्रिज से पहले निकाल के रखा था हाफ एन आवर। इसे अभी हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने बनाना में इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह जो हमने बनाना आपको दिखाया। फिर हम यहाँ पर एक कप मैदा देंगे जिसे अच्छी तरह छान लिया है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर छान लिया है, फिर 1/2 टेबल स्पून वेनिला आसन जो ऑप्शनल है, फिर चुटकी भर नमक देके अच्छी तरह एक डायरेक्शन में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, एक डायरेक्शन में मिक्स कीजिए। फिर हमने 1/2 कप रिफाइन ऑयल दे दिया और इसे अभी एक ही डायरेक्शन में हम कुछ इस तरह मिक्स कर लेंगे जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। फिर जिस पे हम अपने केक के मिक्सचर को रखेंगे उससे हमें बटर पेपर से कुछ इस तरह कोटिंग कर लिया है और उसके ऊपर तेल लगा दिया ताकि केक निकालते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हमने सारे केक के बैटर को यहाँ पर दे दिया। फिर हमने डेस्की को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया था एकदम लो फ्लेम में। अभी हमने केक को बैटर को यहाँ पर दे दिया। 45 मिनट्स के बाद हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया। आप चाहे तो एक निडल के हेल्प से इसके मिडल में चेक कर सकते हैं रेडी है कि नहीं। ये देखिए कितना सुंदर बना है, बिल्कुल टेस्टी यम्मी और कितना कलर भी कितना अच्छा है। तो अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं ओवन में भी बना सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट बिलो।